अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान मनोजी और आप देख रहे हैं फोर एंड टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो भी अनबॉक्सिंग वीडियो है और ये पिछले वीडियो का हिस्सा है। इसको हम अनबॉक्स उसी वीडियो में कर लेते लेकिन वीडियो के लंबा होने के डर से हमने इसको अलहदा से अनबॉक्स करने का फैसला किया था। तो जल्दी से खोलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और ये भी आए हैं हमारे पास शाज़ फ़हीम भाई हैदराबाद वाले छूटा डैन उनकी तरफ से। जी दोस्तों, ये कुछ हैं पैलेट्स मंगवाए हैं हमने 25 में। बिल्कुल तो सबसे पहले है H&N का बाराकोडा हंटर 25 में, और ये है जी 27.47 ग्रेन का पैलेट है ये। बिल्कुल इसके ऊपर जी सील लगी हुई है, तो इसको खोलते हैं कहीं से, अगर इसका सिरा में मिल जाता है तो। बिल्कुल मिला है हमें। अच्छी पैकिंग ताकि छरे डैमेज ना हो। तो ये है जी बाराकोडा हंटर 25 में। उम्मीद करता हूँ मेरा कैमरा दिखा रहा होगा। ये हॉलो पॉइंट है तो हमने सोचा इसको भी ट्राई करके देखते हैं। इनकी प्राइस मुझे जहन में नहीं आ रही, मैं कन्फर्म करके लिख दे जाऊँगा साइट पे ताकि आपको पता चले कि इनकी क्या प्राइस है। अच्छा जी, उसके नीचे क्या है जी? उसके नीचे है ग्रिजली H&N के ग्रिजली 0.25 में, और ये हैं जी 31 ग्रेन के, और ये स्लग्स हैं। पैलेट्स हम पहले से यूज़ कर रहे थे, हमने सोचा कि स्लग्स इस्तेमाल करके देखते हैं अपने नोवा वेस्टा HPP 900W.25 पर। तो जी जी बिल्कुल ये मैं आपको करीब से दिखा दूं, ये हैं स्लग्स। ये जी 31 ग्रेन के स्लग्स हैं और हमने यूज़ करने हैं अपने नोवा वेस्टा HPP 900। हाँ जी दोस्तों, ये हैं ग्रिजली स्लग्स 31 ग्रेन के हैं 0.25 में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी परफॉर्मेंस में आपको दिखाऊंगा कि इनकी एक्यूरेसी कैसी है। इनकी प्राइस मैं लिख दूंगा साइट पे, और जो है इनकी क्वांटिटी वो है 150। ये 150 स्लग होते हैं इसके अंदर, और बाराकोडा के अंदर होते हैं ये जी, ये भी 150 हैं, ये भी 150 पीस हैं। तो इसके अलावा और क्या है जी? बिल्कुल, और तीसरी जो है चीज़ वो है सिल्वर पॉइंट। ये 24 ग्रेन के पैलेट्स हैं, 24.38 ग्रेन के ये पॉइंटेड हैं। तो ये पेनिट्रेशन, हाई पेनिट्रेशन के लिए।
बहुत ही अच्छे तरीके से इनको पैक किया गया है। इनके अंदर ये जी फोम दिया गया है ताकि ये आपस में टकरा के टेढ़े मेढ़े ना हो। तो इनकी शक्ल देखिए, ये जी ये नोकदार हैं और पेनिट्रेट करने की सलाहियत है इनके अंदर। 24 ग्रेन का ये पैलेट है पॉइंटेड। और ये भी ग्रिजली हैं, ये दो डब्बे हमने मंगवाई हैं स्लग्स की और एक एक चेक करने के लिए ये मंगवाए हैं हमने पैलेट्स। हाँ, इसके अलावा और क्या है वो भी देख लेते हैं आज की अनबॉक्सिंग। हाँ जी, ये हैं JSB के किंग डियाब्लो 0.25 के लिए। तो सबसे अच्छा रिजल्ट तो इनका है बिल्कुल। और ये तीन डब्बियाँ हैं, ज़ीरो बैच के हैं। मैंने और भी बैच मंगवाया था लेकिन उसकी एक्यूरेसी कुछ अच्छी नहीं थी। बैच सारे अच्छे होते हैं लेकिन ये देखना होता है कि आपके बैरल में कौन सा बैच अच्छा चलता है। तो ये ज़ीरो बैच मेरी गन की बैरल में नोवा में अच्छा चलता है। ये हैं JSB के 25.39 ग्रेन के पैलेट्स 0.25 में। बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी और बिल्कुल ये सीधे हैं, कोई टेढ़े मेढ़े नहीं हैं। तो ये जी तीन डब्बियाँ हैं, हल्का सा ये टेढ़ी हुई है डब्बी यहाँ से, तो इतने की तो खैर है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह जी बहुत जल्द मैं ये ग्रिजली पैलेट्स के फुल रिव्यू के साथ इसको टेस्ट करेंगे अपनी नोवा विस्टा में कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है। 31 ग्रेन का ये स्लग है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम हैडसन फ्लैश के फुल रिव्यू के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। और इसके अलावा इंशाल्लाह उससे अगली वीडियो में हमारे साथ होगी नोवा टैक्ट 0.22 में। तो और इसके अलावा हमारे पास पीछे पड़ी हुई है गेमों की वाइपर मैक्स, उसका भी इंशाल्लाह फॉर रिव्यू बनाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।